When you're watching your favorite video, you don't want a break, do you? Take Bina Break. Download Tuck app. दिल्ली में विधानसभा चुनाव जल्द ही होने वाले हैं। ऐसे में सभी पार्टियों ने तैयारियां जोरों शोरों से शुरू कर दी है। तो वहीं दिल्ली की आम आदमी पार्टी के पास चुनाव लड़ने के लिए फंड नहीं है। बुराड़ी में हुई जनसभा में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों से चंदा देने की अपील की। सीएम केजरीवाल ने कहा, हमने पिछले 5 साल में दिल्ली में बहुत काम किया, अब हमारे पास अगला चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं है। मैंने 5 साल में 1 रुपया नहीं कमाया, अब यह आपके ऊपर है कि चुनाव लड़ने में हमारी मदद करें। सीएम केजरीवाल ने अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के मुद्दे पर मोदी सरकार पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, हमारी सरकार भी अनाधिकृत कॉलोनियों को लेकर केंद्र से बात कर रही थी, लेकिन हम रजिस्ट्री की लंबी प्रक्रिया नहीं चाहते थे। आज बुराड़ी में 33 कच्ची कॉलोनियों का, कच्ची कॉलोनी में सीवर का काम शुरू हुआ है और मुझे बेहद खुशी है। पिछले 5 साल से हम लोग लगे हुए हैं कच्ची कॉलोनियों में काम करने में। सीवर डाले हैं, पानी के पाइपलाइन डाली है, सड़कें बनाई है और चुनाव के 2 महीने पहले इन लोगों को अब कच्ची कॉलोनी की याद आई है। 2 महीने पहले अब इन्होंने कहना चालू किया है कि वो कच्ची कॉलोनी को पक्का करेंगे, लेकिन मेरा जनता को यही कहना है कि जब तक हाथ में रजिस्ट्री नहीं आ जाए तब तक किसी पर यकीन मत करना और भरोसा रखना। जैसे आपके सीवर मैंने कराए, सड़कें बनवाई, पानी बनवाया, पानी की लाइन डलवाई, ऐसे आपकी रजिस्ट्री भी करवा के रहेंगे। इससे पहले केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा था कि दिल्ली की अनाधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोग 16 दिसंबर से मालिकाना हक के लिए आवेदन दे सकेंगे। उन्हें 180 दिनों के भीतर इसका प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा। इस पर केजरीवाल ने कहा कि जब तक आपके हाथ में रजिस्ट्री की कॉपी ना आ जाए किसी पर भरोसा मत करना। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।